स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आपको पता ही है, फिलहाल तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है। एंड ऑलरेडी अगर देखा गया तो विप्रो की बात करें, एचडीएफसी एएमसी की बात करें, उनके नंबर्स तो यहाँ पे आ चुके बाजार क्लोज हो जाने के बाद। एंड एक और नंबर के ऊपर भी हम लोगों का एक थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रहने वाला था, एंड वही नंबर्स अभी हम लोगों के सामने रिलीज होते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। कौन से कंपनी की हम लोग बात करें? यस, एक ऐसी कंपनी जो हाल ही में ही रिलायंस से डीमर्ज होके अलग से लिस्ट यहाँ पे हो चुके, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जेएफएस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज के दिन 2.25% यहाँ पे डाउन था, नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। तो इसमें नंबर्स का कोई भी कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को पढ़ लेते हैं, एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं वो मैं हमेशा नोट करके आप लोगों को यहाँ पे दिलवाते रहता हूँ। ये पॉइंट पता होना काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है। तो चले पहले तो नंबर्स का फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजों को कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जियो कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन किया, जो भी फिगर्स है सब कुछ करोड़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये बात बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ, कुछ लोग होते हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 10, 12, 15, 20 क्या हुआ है करके। और कुछ लोगों का एक पैटर्न होता है, कौन सा, कि नंबर्स पढ़ने से पहले आपको एक अंदाजा, एक अनुमान लगाना होता है कि भाई क्या हो सकता है करके, परफॉर्मेंस क्या, एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने बिल्ड करनी होती खुद की ही, ठीक है, किसी को पूछने नहीं जाना होता है। ये एक बहुत ही एक सही डायरेक्शन होता है आप शेयर मार्केट के एज ए इन्वेस्टर जर्नी में, कि भाई क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट हम लोगों ने करना चाहिए। सो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, इसीलिए तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें फिट हो चुकी है। कौन सी चीज़ आपको भी पता है, वो डायलॉग मैं बार बार बोलते रहता हूँ। यस, अभी तक इनका बिजनेस जो ये करना चाहते हैं वो अभी तक उस लेवल तक स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है, छोटा मोटा बिजनेस ही देखने को आप मिल रहा है। सो देखा गया तो नंबर में इतना कुछ खास होगा नहीं। अगर आपने कल का भी वीडियो देखा होगा तो ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, एक नॉर्मल एवरेज नंबर रहेंगे, ठीक है, 300-400 करोड़ कमाया ऐसा कुछ होगा, दैट्स इट। एकदम 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ वहाँ पे जाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो सर्विसेज स्टार्ट होगी तब वो कंपनी उतना रेवेन्यू कमाएगी। सो अभी के नंबर्स में अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास हम लोग को देखने को आपे नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ कि दो ही डेटा अवेलेबल है, क्वार्टरली जो साइड में लिखा हुआ है भाई वो ईयरली है, गलती से ये मत कर लेना, वरना यूजुअली हम लोग को आदत होती है कि क्वार्टरली ईयरली ऐसा देखने के लिए, बट नहीं, आप देख सकते 31 मार्च क्वार्टरली है, 31 दिसंबर क्वार्टरली, यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है, तो ये पूरे साल का है, तो ये पता आप लोगों को होना चाहिए। मतलब क्या, ये दो ही डेटा को हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंपेयर यहाँ पे करना है, ठीक है, चलो। सो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कि कंपनी की टोटल इनकम कितनी हुई है, तो टोटल इनकम है 418 करोड़ इस वक्त की। जैसे आपको बताया था 300-400 करोड़ का ही धंधा रहेगा, और लास्ट टाइम कितना था, 400 करोड़ कंपनी यहाँ पे कमा रही है, और उनका वैल्यूएशन कितना है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 लाख बोलो, 2.25 लाख करोड़ के आसपास, बाप रे बाप, इतना कैसे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है, देखिए जो भी ये वैल्यूएशन रहता है, ये चीज़ें नोट करके रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी वैल्यूएशन मिलता है कंपनी को, 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, ये करंट डेटा के हिसाब से नहीं मिलता है, जो भी वैल्यूएशन निकाला जाता है वो भविष्य के ऊपर निकाला जाता है। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको कब सिखाया था, स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो बनाया था तभी, वरना स्टार्टअप वाली कंपनियां तो लॉस में रहती है, तो उनका वैल्यूएशन कैसे निकलता है, $1 बिलियन यूनिकॉर्न कैसे बनती है वो लॉस में होने के बावजूद, भविष्य में वो कमाएंगे उसका कैलकुलेशन करके वो बताते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो वैल्यूएशन जो भी निकाला जाता है वो प्रॉफिट करंट हिसाब से नहीं निकाला जाता है, भविष्य में वो कंपनी कहाँ तक जा सकती है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, आप शार्क टैंक इंडिया भी देखते होंगे ना, तो वहाँ पे देखते हैं कितने सारी कंपनियां लॉस में होती है, फिर भी वो कैसे वैल्यूएशन बताती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, क्योंकि भविष्य में वो कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी, उनकी वैल्यू उतनी इतनी जाएंगी, उस हिसाब से वो प्रेजेंटली क्या करते हैं, आस्क करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2-2.5 लाख करोड़, ये कोई 400 करोड़ के इनकम के लिए नहीं मिलता है, मतलब भविष्य में यही, अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें कि भविष्य में 1,000 करोड़ जाएगा, 2,000 करोड़ जाएगा, 5,000 करोड़ जाएगा, 10,000 करोड़ जाएगा, उसका कैलकुलेशन करके मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको वो वैल्यूएशन दे रहा है। सो इतना कैसे जाएगा, बाकी कंपनीज तो को तो इतना वैल्यूएशन मिलता नहीं, यही तो खासियत है इस कंपनी की कि बड़े प्लेयर्स है इसमें, मुकेश अंबानी की कंपनी कुछ तो बड़ा का धमाका करेंगे, तो ये अनुमान के हिसाब से ये सारी चीज़ें लगाई जा रही है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी क्या थी, टोटल इनकम कितना है, 418 करोड़, 414 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ यहाँ पे बड़ा है, उससे कौन सा पहाड़ टूटता है, कुछ भी नहीं। बीच में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का एकदम इनकम रॉकेट बना था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अननेसेसरली कोई भी यहाँ पे नाचने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो वन टाइम डिविडेंड इनकम था, अब उसके बाद डिविडेंड इनकम नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त क्या कोई डिविडेंड इनकम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बीच में देखा था एकदम स्पाइक हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चलो इनकम तो देख लिया, इतना कमाने के लिए कितना खर्चा कर रहा है कंपनी, तो टोटल एक्सपेंसेस 100 करोड़, 98 करोड़ था, तो इनकम से एक्सपेंस हट जाएगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस रहेगा, तो कंपनी तो फिलहाल प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला एनपीबीटी कितना है, तो 392 करोड़ है अप्रॉक्सिमेटली, और लास्ट टाइम कितना था, 381 करोड़, तो चलो छोटा मोटा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है। जो भी लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे भाई, ये
इस प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो लिटरली रिलायंस मतलब जियो फाइनेंस के लिए आने वाले समय में, अब बोलते हैं ना वो पान थूकने के बराबर का प्रॉफिट यहाँ रहेगा, इस प्रकार की चीजें रहेगी। भविष्य में ये प्रॉफिट काफी बड़ा यहाँ पे रहने वाला है, ये चीजें नजर भी नहीं आएंगी, ठीक है। बट उसके लिए काफी टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देना पड़ेगा भाई, सरकार को तो टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स एडजस्टमेंट रहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 11, फाइनल प्रॉफिट जो कि आप लोगों को न्यूज चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, कितना है, 310 करोड़ का। लास्ट टाइम कितना था, 293-294 करोड़, आप चाहो तो राउंडेड कर सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि चलो क्वार्टरली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो ये चीजें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें इसी चीज को अर्निंग पर शेयर में भी देखा यहाँ पे जाता है, तो कितने का EPS, 0.49, लास्ट टाइम कितना था, 0.46। तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इन नंबर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि जब बाद में एक्चुअल बिजनेस इनके जब स्टार्ट होंगे, अभी एक्चुअल बिजनेस मतलब आपको पता है जबरदस्त लोन देना स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम एकदम जबरदस्त बढ़ना स्टार्ट होगा, कमाई होगी नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम लोग बात करें तो। देन उसी के साथ अभी वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस ब्लैक रॉक के साथ, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। देन ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे कमाई आना स्टार्ट होगी। इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट होगा, उससे कमाई आना स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक बार वो पाइपलाइन बिछ गई और उसके बाद नल का टैप ओपन किया, फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी का जो टोटल इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो उसके ऊपर वो चीजें देखकर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो तो अभी तक नंबर में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें फिलहाल उसके ऊपर वर्क ही यहाँ पे कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मार्केट में दाव लगाया यहाँ पे जा रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। आप देख सकते हैं कितना है, 235,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन ये जो हम लोग देखते हैं ना पी रेशो 2955, तो 2955 क्या ये पी रेशो मतलब क्या रहता है, अभी जो एकदम मतलब जिनका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता है वो तो ऐसा ही कहेंगे बाप रे बाप ये पी रेशो के ऊपर कौन पैसा लगाएगा करके, उनको बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि पी को नीचे आना है तो क्या होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ेगा। जब कंपनी के इतने सारे बिजनेस स्टार्ट होंगे, जब कंपनी 1,000 करोड़, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाना स्टार्ट करेगी, तो कंपनी का जो प्रॉफिट भी है, जो अभी हमको 300 करोड़ नजर आ रहा है, वो भी अगर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कंपनी का EPS भी वैसे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को आप मिल जाएगा। अभी का EPS कितना था, पॉइंट में था, 0.50, 50 पैसे का EPS था, आप ऐसा भी कह सकते हो। यही EPS जब भविष्य में 1 का EPS, 2 का EPS, 3, 4, 5 होना स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये PE आप लोगों को धीमे धीमे कूल ऑफ होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। सो ये लॉजिक जिसको पता होता है उसको समझ में आता है, ऐसा नहीं कि PE हाई है मतलब कंपनी घटिया, PE लो है मतलब कंपनी अच्छा। इस फॉर्मूला के चक्कर में जो फंसा भाई वो बर्बाद हो गया शेयर मार्केट में, ठीक है। इतना सिंपल होता तो भाई एक ही सॉफ्टवेयर बना लेते, हायर PE वाले स्टॉक को इग्नोर करो, लोअर PE वाले को पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ भी देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपनी का साइज कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पोटेंशियल कितना है, वो देखने वाली बात होती है कि पोटेंशियल किस बात का, कि क्या बड़े लेवल पे बिजनेस कर पाएगी, क्या बड़े लेवल पे रेवेन्यू लेकर आएगी, क्या बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमा पाएगी, क्या बड़े लेवल पे अर्निंग्स कर पाएगी, ऑटोमेटिकली वो पी वो 2 डिजिट तक ला सकती है। तो इसके इस थ्योरी के ऊपर जिसका भरोसा होता है वो क्या कर लेते हैं, ऐसे हायर लेवल के पी वाले स्टॉक्स में भी निवेश कर लेते हैं। सो फिलहाल अगर देखा गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कंपनी सब कुछ है, मतलब बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बट भविष्य में कुछ कर सकता है, इसी को देखकर हर कोई यहाँ पे पैसा लगा रहा है। जो ब्लाइंडली मतलब जो तेजी देखकर भाई जिसने पैसा लगाया है, जिसने कोई भविष्य इस हिसाब से विचार भी नहीं किया है, वो भाई बहुत बुरी तरीके से फंसेगा, क्योंकि स्टॉक है भाई, आज नहीं तो कल तो स्टॉक मार्केट है, शेयर्स तो नीचे यहाँ पे आएंगे, फिर वो डरना स्टार्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी को पूछने मत जाओ। काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते सर हम क्या करें, अरे दूसरे को पूछकर कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा आप डरना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करती है। तो अल्टीमेटली गोल्डन रूल यहाँ पे क्या है, जो मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे समझाया है कि कंपनी के नंबर्स इसी प्रकार के आते रहेंगे जिस वक्त इनका बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, फिर एकदम सारी चीजें रॉकेट होते हुए देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे अरे कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया फिर भी स्टॉक ज्यादा मूव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश पहले से ही कर रहा है। यस, काफी अर्ली स्टेज पे सारी चीजें चल रही है, आप चाहो तो इसको जल्दबाजी भी जरूर यहाँ पे कह सकते हो, बट मार्केट ऐसा ही चलता है। सो ओवरऑल अगर लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ी टीम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कॉन्टैक्ट्स जबरदस्त है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आराम से डील कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के अगर हम कहें रिचेस्ट पर्सन की अगर हम बात करें उनकी कंपनी है, तो बड़े बड़े विदेश से जो भी टाइप होते हैं, अभी इंश्योरेंस वाला अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो भी कोई टाइप रहेगा, कोई दुनिया की बड़ी कंपनी होगी उन्हीं के साथ टाइप करेंगे। तो ग्रोथ एंड स्केल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कोई कमतरता भविष्य में इस कंपनी में नहीं होगी, ये पॉइंट हम लोगों को फिलहाल तो देखने को आप मिल रहा है। सो ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से GFS के नंबर को हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।